नमस्कार दोस्तों, अकाउंटिंग प्रैक्टिकल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं कि फिल्टर कमांड कैसे लगाएं। फिल्टर कमांड लगाने के लिए दो तरीका है, एक शॉर्टकट कमांड है और एक उसका फॉर्मल वे है। चलिए मैं आपको सबसे पहले मैं शॉर्टकट तरीके से मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको फिल्टर जिस कॉलम में लगाना है वहाँ पर आप कंट्रोल शिफ्ट एल, जैसा कि आप ऊपर हाईलाइटेड कॉलम में दिख रहा होगा फॉर्मूला, तो आप कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस कीजिए, आपका पूरा फिल्टर लग गया। और फिल्टर लगने के बाद आपको सिलेक्ट करना होता है, आपको जो जैसे सिलेक्ट करना, मान लीजिए हम सिलेक्ट करना चाहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो हमको सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट ऑल को कैंसिल करके हमें यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे ओके कीजिए, आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिखेगा। चलिए इसको मैं हटाता हूँ, सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, मैं दूसरा कोई ऑप्शन सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ आपको फिर से। चलिए मैं मान चाहता हूँ मुझे स्टार सीमेंट देखना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा सबसे पहले, और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल को सबसे पहले अनचेक करने के बाद आपको स्टार सीमेंट क्लिक कर लीजिए। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, दोस्तों हम यहाँ पे स्टार सीमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टार सीमेंट हमारा आ गया सर्च करके, और हम इसको सेलेक्ट करके ओके करते हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ स्टार सीमेंट दिखेगा। आप लोग देख पा रहे होंगे सिर्फ हमें स्टार सीमेंट दिख रहा है। चलिए अब इसको फिर से, अगर मान लीजिए हमको यहाँ लगाना है फिल्टर, तो यहाँ हम पहले लगा चुके हैं, तो हमको इसको सबसे पहले यहाँ फिल्टर हटाना पड़ेगा, सेलेक्ट ऑल करना पड़ेगा, तब जाके हमको आगे का यहाँ डाटा परफेक्ट मिल पाएगा। यहाँ पर मैं फिल्टर हटा दिया हूँ, आप देख पा रहे होंगे। चलिए यहाँ पे मैं चाहता हूँ यहाँ पर सिर्फ मुझे महाराष्ट्र स्टेट का बिलिंग मिले, तो यहाँ पे जाके मुझे स्टेट में जाके सेलेक्ट ऑल को सर्च पे अनटिक करेंगे और महाराष्ट्र पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र आ गया, बगल में मेघालय है, वो तो प्लेस ऑफ सप्लाई है, ठीक है, तो उसके लिए आप चिंता मत लीजिए दोस्तों। और दूसरा तरीका से मैं आपको बता रहा हूँ, तो दूसरा तरीका बताने के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ से डाटा फिल्टर हटाना पड़ेगा, इसके लिए फिर वही शॉर्टकट कमांड को दोहराना है, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे और हमारा क्या है वो फिल्टर हट जाएगा। फिल्टर हट गया। अब मैं दूसरा तरीका से देख दोस्तों बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर होम टैब में है तो आपको यहाँ पे डाटा टैब दिख रहा होगा, डाटा टैब में जाना है और यहाँ पे फिल्टर का जो ऑप्शन दिख रहा है वो फिल्टर में जाना है, आप देख पा रहे होंगे, तो फिल्टर पर क्लिक करना है। और फिल्टर पर क्लिक करने के बाद आपको जहाँ भी फिल्टर लगाना है वहाँ लगा सकते हैं। मान लीजिए हमको यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई में जाते हैं, हमें असम को देखना है, तो हम असम सेलेक्ट कर लेते हैं। असम सेलेक्ट करने के बाद हमारा यहाँ पे देखें दोस्तों सिर्फ असम आ गया। दोस्तों आशा करते हैं कि इस फिल्टर कमांड की मदद से आप अपने अपने सीट में फिल्टर लगा पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों हम इसी तरह के वीडियो को लेकर आपके पास आते रहेंगे, टैली से संबंधित, एक्सेल, वर्ड, उसके बाद GST, इनकम टैक्स, जितना भी हम लोग चार्टर अकाउंटेंट ऑफिस में अकाउंटेंट हैं, हमारे पास हर तरह का काम है, तो आप लोगों के पास मैं हर तरह के काम लेके आता रहूँगा स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों तब तक के लिए अलविदा।